आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने बिजनेस को गूगल पे रजिस्टर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका किसी भी टाइप का बिजनेस है, आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को गूगल पे रजिस्टर करना, तो कैसे फ्री में आप अपने बिजनेस को गूगल पे रजिस्टर कर पाएंगे। कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन बिजनेस अब ऑनलाइन आ रहे हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना, तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं किसी भी बिजनेस को गूगल पे रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं और कैसे आप उसे लिस्ट कर पाएंगे। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है गूगल माई बिजनेस, उसके बाद एंटर करेंगे। अगर आप अपने मोबाइल से यूज़ कर रहे होंगे तो सेम यही स्टेप आपको फॉलो करना होगा, आप भी अपने मोबाइल से जाके भी इसे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद ये सबसे पहला वाला वेबसाइट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है इसका, ठीक है। जब भी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लेंगे तो कैसा वो डिस्प्ले होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड इस तरीके से फ़ोटो अपलोड करना है, अपलोड करने का वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब भी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करेंगे तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर से चैट कर सकते हैं, कस्टमर का क्वेश्चन का आंसर भी आप उनके रिप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें हैं आप यहाँ से उनका पोस्ट देख सकते हैं, कस्टमर आपको यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं ऑनलाइन, तो इस तरीके से वो डिस्प्ले होता है फीडबैक। तो अब हम काम करते हैं अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर करना है वो हम देख लेते हैं। तो बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए आपको काम करना है साइन इन का, यहाँ पे ऊपर में बटन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आपका जीमेल आईडी साइन इन हो जाएगा इस तरीके से आपको पेज डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको काम करना है ऐड योर बिजनेस टू गूगल पे क्लिक करना होगा अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए। और यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम मेंशन करना है, आपके बिजनेस का जो भी नाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपको काम करना है अपने बिजनेस का कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेना होगा, आपके बिजनेस का जो भी कैटेगरी होगा। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई भी स्टोर या कोई भी ऑफिस है तो आप यस चूज़ करें, अगर आपके पास कोई भी ऑफिस स्टोर नहीं है तो आप नो चूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर सर्च करेगा आपके बिजनेस लिस्टिंग को तो उनको आपका जो लोकेशन एड्रेस है वो डिस्प्ले होगा। अगर आपके पास एड्रेस कोई भी नहीं है तो आप नो चूज़ करेंगे, ठीक है। हमने ऑफिस एड्रेस में यस चूज़ किया था इसलिए यहाँ पे एड्रेस फिल करने के लिए आ रहा है। तो काम करना है कि आप भी अगर यस चूज़ करेंगे तो आपको अपने बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है, आपके शॉप का जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बिजनेस लिस्टिंग डिस्प्ले करवा रहा है, ये पूछ रहा है कि ये आपका बिजनेस लिस्टिंग है। अगर जो भी लिस्टिंग आपको अगर डिस्प्ले होगा, ये इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने जो एड्रेस मेंशन किया उस एड्रेस पे लिस्टिंग पहले से क्रिएट है, तो वही लिस्टिंग हमें यहाँ डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये दोनों बिजनेस मेरा नहीं है तो नन ऑफ दिस पे आप चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप प्रोवाइड करते होंगे, आपका कोई भी बिजनेस रेस्टोरेंट बिजनेस है, फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो अगर डिलीवरी आप प्रोवाइड करते होंगे तो आप यस चूज़ करेंगे। मैं होम डिलीवरी नहीं प्रोवाइड करती तो नो चूज़ करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आपके बिजनेस का फ़ोन नंबर आपको ऐड कर देना है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ये वाला जो चेक बटन आपको शो कर रहा है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे मुझे वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं टेक्स्ट के थ्रू या कॉल के थ्रू अपने इस लिस्टिंग को वेरीफाई कर सकते हो सकता है कि जब भी आप अपने बिजनेस को अगर रजिस्टर कर रहे होंगे तो इस तरीके से आपको मेलिंग एड्रेस एंटर करने के लिए आ सकता है अपने गूगल बिजनेस लिस्टिंग को वेरीफाई करने के लिए। तो आप जहाँ पे चाहते हैं अपने बिजनेस के पोस्ट कार्ड को रिसीव करना, वहाँ के एड्रेस को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। मेलिंग एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा किसके नाम से पोस्ट कार्ड जाएगा, तो यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद मेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हम नाम टाइप करते हैं तो देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है कि आपको पोस्ट कार्ड ऑन द वे है, 12 डेज में आपके एड्रेस पे वो रिसीव हो जाएगा जो एड्रेस आपने मेंशन किया है। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगा और आपको यहाँ पे पेंडिंग वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो करेगा। जब आपके एड्रेस पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा तो यहाँ पे आपको पेंडिंग वेरिफिकेशन के ऑप्शन के नीचे आपको इंटर वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस इंटर वेरिफिकेशन कोड पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने पोस्ट कार्ड के कोड को एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका गूगल बिजनेस लिस्टिंग वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को गूगल पे फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बिजनेस को अगर ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं तो कैसे फ्री में वो रजिस्टर कर पाएंगे वो भी सीख पाएँ।
और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल के भी आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।